वर्षो पुरानी वो आकाशवाणी मिथ्या सिद्ध होने वाली है कि देवकी की आठवीं संतान मेरा पाल बनेगी। विष्णु अवतार कृष्ण, मैं आ रहा हूं तुम्हारे गोकुल में अपना स्वर्ग लोक जीतने। ओ, ये है कृष्णा, मयूर पंख और बांसुरी वाला। तुम कौन हो? तुम्हारी मृत्यु कैसी? ये क्या, इस बालक के मस्तक पर भी मयूर पंख और हाथ में बांसुरी भी? तुम कौन हो बालक? जिसे तुम खोजते हुए गोकुल आए हो। कृष्णा, कृष्णा हूँ मैं। इतने से बालक में इतना साहस, अच्छा लगा। किंतु तू मुझे चुनौती देगा, यह तूने अच्छा नहीं किया कृष्ण। अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरी रक्षा की बात छोड़ो, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मैं नन्हा सा बालक हूँ, जय पराजय का मुझे क्या ज्ञान। मुझे तो बस क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आता है, विशेष कर तुम जैसे असुरों के साथ। बस तुम मुझे पकड़ के दिखा दो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। आओ आओ, पकड़ो मुझे। बस बहुत हुआ ये दौड़ना भागना, बहुत हुए ये बचकाने खेल। कान्हा, अब मैं ऐसी जगह प्रहार करूंगा जहां तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा होगी। ये गोकुलवासी है ना तुम्हारी दुर्बलता, अब नहीं बचेंगे ये। अरे अरे, क्रोध बुरी बात है केशी, मैं तो पकड़म पकड़ाई तुम्हारी रक्षा के लिए खेल रहा था, परंतु तुम तो आक्रोश में अनुचित निर्णय ले रहे हो। ठीक है, पर हमारे कर्मों का चुनाव हमारी नियति बनाता है। बाद में ये मत कहना कि कान्हा ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। चेतावनी? केशी को चेतावनी? तुम उस केशी को चेतावनी दे रहे हो जिसने स्वयं देवराज इंद्र को भयभीत कर भागने पर विवश कर दिया, जिसने समस्त देवलोक को अपने अधीन कर लिया था, तुम उसे धमका रहे हो। अब ये तुम्हारा साहस है या मूर्खता, इसका निर्णय तुम अपने अंत के पश्चात ऊपर जाकर करना। कान्हा, छोड़ दे मुझे।
से उब गया हूँ केशी। अब मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। महाराज, आपके साथ शिकार पर आने का अवसर प्राप्त हुआ, उससे तो मैं धन्य ही हो गया महाराज। महाराज क्या हो रहा है? महाराज कौन हो तुम दोनों और मेरे मार्ग में आने का साहस कैसे किया? मैं हूँ भूतासुर और मैं बबूतासुर। क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं कौन हूँ? ज्ञात है तुम्हें? पता है हमें कि तुम कंस हो, उस विष्णु के अवतार कृष्णा के मामा, और हम यहाँ तुम्हारा वध करने आए हैं। तुम्हारा अंत आ गया है कंस। सावधान। देखा, हमारे महाराज पर प्रहार करने का परिणाम। क्यों प्रहार किया मुझ पर? क्यों मारना चाहते थे मुझे? नहीं पता चला है कि तुम उस कृष्ण के मामा हो, और हमने निर्णय लिया है कि उस कृष्ण और उसके समस्त परिवार का अंत कर देंगे, क्योंकि यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और वो कृष्णा विष्णु का अवतार है, वो विष्णु जिसने हमारे मधु के तप की हत्या की थी, और हम मधु के तप की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहे हैं। प्रचंड भाल नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप तमाया जाल, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। ये सत्य है कि मैं कृष्णा का मामा हूँ, परंतु ये भी सत्य है कि कृष्णा मेरा शत्रु है, और केवल शत्रु नहीं, घोर शत्रु। और शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना? खाना देखकर मुंह में पानी आ गया मैया। प्रतीक्षा किस बात की है काना? कि संकोच भोजन करो, आप लोग भी खाइए। देखते हैं कब तक तो कृष्णा तुम दोनों से बचता है। अब देखते हैं कि कृष्णा का भाग्य उसका कितना साथ देता है। ये क्या हुआ ईश्वरा?
आ रही, ये कैसे कंपन है, ये सब अचानक क्या हो रहा है? काकी तुम्हें चिंतित कर लिया, तो तू है वो कृष्णा जिस कृष्णा को हम ढूंढ रहे हैं। आज तेरी मृत्यु हमारे हाथों निश्चित है।